आज हम देखेंगे 100cc बाइक की किक शाफ्ट कैसे फिट होती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये एसी की किक शाफ्ट है और इसमें टाइमिंग आता है। ये सिंपल गियर है, ये किक रेचिट है, इसे लगा दिया हमने, फिट करा, फिर इसकी एक लॉक लगेगी। इस लॉक को ध्यान से हमें लॉक करना है। इस प्लायर की मदद से इनसे हम लॉक करेंगे। ये पूरी गियर के यहाँ तक लगेगी, रेचिट तक। ये लॉक हो चुकी है, ये सब ये हमने प्लायर से इसे नीचे सरकाया, ये लॉक हो चुकी है। ये लॉक इसे ओपन ना आए इसका काम करती है। ये ओपन वाला रेचिट लगा, इसके अंदर टाइमिंग रहेगा। इस टाइमिंग को हमें सर्कल को टाइमिंग से मिला के लगाना है। इस सर्कल को हमें किक शाफ्ट के ऊपर ही सर्कल बने हुए थे, इससे मिलाकर हमें लगाना है। इस सर्कल को कभी हमने टाइमिंग आउट हुआ तो किक टाइट लगेगी या फिर ये आवाज़ करेगी जैसे हम गलत दबा के मारते हैं। फिर ये स्प्रिंग को लगेंगे, फिर ये वाइसर आएगा, उठावा भाग नीचे आएगा, इसे दबाकर फिर हमें एक लॉक लगाना है। इस लॉक को भी हमें लॉक करना है। ये स्प्रिंग को ऊपर ना आने देगी, वाइसर को इसे लॉक कर देना अच्छे से। वैसे ये लॉक हो चुकी है, फिर इसके ऊपर एक वाइसर आएगा इसका। ये रेचिट हमारा काम कर रहा है, फिर ये शाफ्ट का वाइसर आएगा, इस वाइसर को हमें लगा के रखना। ये हमारी किक शाफ्ट फिट हो चुकी है। फिर हमें इंजन में किक शाफ्ट को कैसे फिट करना है देखिए। इसे हमें इस तरह से लगा देना है, इसे हमको चला के देखना है कि सही से चल रही है ना या ना। इसे हमें ऐड कर देना है इस पर पट्टी के ऊपर। फिर हमें चेंबर को लगाना है। चेंबर जैसे लग जाएगा इंजन का, इसे मैं सिर्फ इसे आपको दिखाने के लिए अटका रहा हूँ। यह हमने अटकाया, फिर इसके ऊपर एक किक स्प्रिंग आएगी और उसका रेचिट आएगा जिसके अंदर टाइमिंग रहेगा। इसके अंदर भी टाइमिंग रहेगा आपका, और यहीं से हमें सही से लगाना है। किक शाफ्ट पर जो सर्कल बना है उससे मिलाकर हमें इसका टाइमिंग लगाना है। याद रखें किक थोड़ी टाइट होना चाहिए यहाँ पर, फिर हमें इसका टाइमिंग मिलाना है। ये हमने थोड़ी टाइट कर दी है, इसके टाइमिंग पर लाकर फिर हमें इसका टाइमिंग मिलाना है। जैसे यहाँ पर एक सर्कल बना है आपको दिख रहा होगा, जैसे इसे हमें यहाँ सर्कल से सर्कल मिलाकर ऐड करना है चेंबर पर इसका एक हिस्सा। फिर इस स्प्रिंग को खींचकर हमें इस पर लगाना है, जैसे ये लॉक हो चुका है। फिर हमें इसको नीचे दबा, नीचे की तरफ दबाकर लगाना है। फिर एक लॉक लगेगी इसके ऊपर एक रेचिट की, एक स्प्रिंग की लॉक है, ये हमने लगा दी।